वेलकम गाइस, इट्स माय फर्स्ट व्लॉग। तो आज मैं आपको अपने तीन स्पेशल फैमिली के सदस्यों से मिलवाऊंगा एंड लेट्स सी उनका रिएक्शन कैसा होता है आपसे मिलने के बाद। मैं जस्ट अभी सोकर उठा हूँ, ना मैं फ्रेश हुआ हूँ ना मैंने कुछ खाया है। डाइट का ब्लॉग मैं अलग से बना दूंगा, डाइट में आपको क्या लेना चाहिए, वर्कआउट का ब्लॉग मैं अलग से बनाऊंगा, बट ये पहला ब्लॉग है। तो पहले ब्लॉग में मैं कुछ स्पेशल सदस्यों से आपको मिलवाऊंगा, उनकी कहानी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं डाइट में लेता हूँ BCAA। BCAA एक सप्लीमेंट है जो कि आपको आपकी रिकवरी में काफ़ी हेल्प करेगा। लास्ट टाइम जो मैंने फ्लेवर मंगवाया था वो था ब्लूबेरी, और इस बार मैंने मंगवाया है ट्रॉपिकल मैडनेस। पर्सनली मुझे ब्लूबेरी ज़्यादा पसंद था, बट इसको भी झेल लेंगे। किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको BCAA क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। मुझे ये रिकवरी में काफ़ी हेल्प करता है, मेरी बॉडी काफ़ी सोर होती है। अगर आपको भी काफ़ी ज़्यादा सोरनेस होती है तो आप मसाज ट्राई कर सकते हो, अपनी स्लीप पे काम कर सकते हो। अगर आपकी स्लीप इम्प्रूव होगी तो सोरनेस अपने आप जल्दी रिकवर होगी, और आप BCAA को भी इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर। यूजुअली इसको आप पानी में मिक्स करके लेते हो, वर्कआउट के दौरान लेते हो आप इसको ड्यूरिंग द वर्कआउट, बट इसे मैं सुबह लेता हूँ, वर्कआउट के दौरान भी लेता हूँ। रियली यू नो हेल्प्स यू कीप गोइंग इन द वर्कआउट। इसको हम लेंगे ड्राई स्कूप। ड्राई स्कूप मतलब होता है कि आप इसी पाउडर को मुंह में डालोगे और पानी पी लोगे, इसे पानी में घोलने का झंझट नहीं। बहुत बेकार फ्लेवर है, फ्लेवर का टेस्ट आपको तब आता है जब आप पानी में घोलते हो। इसे ऐसे पी जाओगे सारा फ्लेवर कलेक्ट हो जाता है मुंह के अंदर। ब्लूबेरी तो अच्छा भी था, ये दवाई लग रहा है। अभी काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उसे ड्राई स्कूप क्यों लिया। पहली बात तो उसका जो फ्लेवर है वो मुझे वैसे भी पसंद नहीं आता, मैंने उसको इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे जल्दी ख़त्म करना था और जो पानी है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती। अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट लूँगा तो अगर मैं पहले से पानी से पेट भर लूँगा तो मेरा एपेटाइट कंप्रेस हो जाएगा, मैं ज़्यादा खा नहीं पाऊँगा। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपको ज़रूर खाने से पहले पानी पीना चाहिए, वो आपके एपेटाइट को कंप्रेस करने में हेल्प करेगा और कम कैलोरीज को इनटेक करने में हेल्प करेगा। मुझे कैलोरीज को कम नहीं करना है, मुझे BCAA भी पीना था तो मैंने उसको ड्राई स्कूप पी लिया। फाइनली वी आर रेडी। तो मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ अपने पहले दोस्त से, अपने पहली मोहब्बत से और उसकी कहानी के साथ। दिस इज मैंगो। तो ये है मैंगो, मैंगो इज 12 ईयर्स ओल्ड, मैंगो 12 साल का है। एंड दिस इज माई वन ऑफ द डॉग, ये मेरा एक कुत्ता है, मेरे तीन कुत्तों में से मेरे पास तीन कुत्ते हैं। बेसिकली आई रन ए स्मॉल NGO, आई रेस्क्यू सो मेनी एनिमल्स। एंड जो मैंगो है इसे किसी ने छोड़ दिया था सड़क पे क्योंकि वो उसको पाल नहीं पा रहे थे 12 साल पालने के बाद, और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका जो पूरा लेग है वो फ्रैक्चर हो गया। मैंगो अभी चल नहीं सकता। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला कि मैंगो की लिवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसका ऑपरेशन करना सही नहीं होगा बिकॉज उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंगो को ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसके पैर में से हमें दर्द नहीं है, मैंगो स्टिल वॉक्स, मैंगो इज सो ब्यूटीफुल। मैंगो, मैंगो लो। मैंगो को सड़क पे मैं दोबारा छोड़ नहीं सकता था तो मैं इसे अपने घर ले आया। मेरे पास पहले से दो कुत्ते थे और अब तीन हो गए। यहाँ पर एक बात, अगर आप कोई भी कुत्ते पालते हो तो कुत्तों को आप दोबारा सड़क पे नहीं छोड़ते हो। अगर आप उसे छोड़ते हो तो वाई भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे घर में रहने की आदत है, बाहर की दुनिया अलग होती है जानवरों के लिए, और लोग इतनी बुरी तरह ड्राइव करते हैं वो किसी को नहीं देखते हैं। मैंगो अगर आज चल नहीं पा रहा है सो इट्स बिकॉज ऑफ दैट पर्सन हु लेफ्ट हिम ऑन द रोड, सो आई फील टू बैड। और अगर मैं वैसे ही उसे छोड़ देता सड़क पर तो वो मर जाता, बट अभी मैंगो हमारे साथ है। अभी मैंगो कुछ दिन ही हुए हैं हमारे साथ आए हुए। अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपने सबसे हरामखोर कुत्ते से। दिस इज माय सेकंड डॉग, हिज नेम इज मैसी, एंड इसका नाम मैंने फ्रेंच में रखा था, इसका नाम कुछ और है, इसको बोलते भी अलग तरीके से, लेकिन इसका नाम अब सबको ही मैसी बोलते हैं। फ्रेंच में इसका मतलब था थैंक यू। इसको मैंने 5 साल पहले बचाया था रोड से और आज ये मुझे बहुत तंग करता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई भोगता है और परेशान करता है तो वो यही कुत्ता है। मैंगो बहुत सीधा है और जो मैसी है, मैसी ज़रा भी सीधा नहीं है। मैसी शेक हैंड, शेक हैंड मैसी, शेक हैंड। अरे
हाथ को छू के वापस ले जा रहा है। मैसी का दिमाग पता नहीं कहाँ है, उसका दिमाग किचन में है, उसे सिर्फ खाना दिखता है और घूमना। मुझे समझ नहीं आता यार कि कुत्ता उतना खाता भी है जितनी बारी पॉटी जाता है। ही लव टू गो फॉर द वॉक 3 to 2 times इन अ डे। इट्स रियली वियर्ड। तो फाइनली मैं आपको अपने तीसरे डॉग को मिलवाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा। जो मेरा तीसरा डॉग है वो है ब्राउनी, ब्राउनी द बुलडॉग, जिसे मैंने रेस्क्यू करा था। कॉलोनी वाले लोग ही उसके ऊपर गाड़ी चलाना चाह रहे थे, जीप, बल्कि वो चला भी रहे थे, तो मैंने उसे बचाया था एंड वो मेरे घर के अंदर रहता है अभी। ब्राउनी इन सबसे साइज़ में काफ़ी बड़ा है एंड ही इज इंडियन बुली। उसको मिलवाने से पहले मुझे किसी काम से अभी जाना है, उसके बाद मैं आपको आकर मिलवाता हूँ। ये है हमारी राम प्यारी, ये मुझे मेरी दीदी ने दी थी, जो कि 7-8 साल पुरानी है। मुझे इस बाइक को चेंज भी करना है, बट अगर आप किसी बाइक को लेते हो वो आसान होता है, लेकिन उसको संभालना भी पड़ता है, उसका जो पेट्रोल होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको अफोर्ड करना पड़ता है। और मुझे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है इस समय, तो मैं ले लूँगा बाइक को, बट एट द राइट टाइम। रिच पर्सन इज़ दैट हु नोज हाउ टू इन्वेस्ट द मनी एंड व्हेन टू इन्वेस्ट द मनी। ये हमारी लोकेशन है, ये हमारा बाइसेप्स है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। कल मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था और मैं काफ़ी लेट भी घर आया था, तो मैं अपने ब्लॉग को कंप्लीट नहीं करवाया था और मैं आपको अपने थर्ड डॉग से मिलवा नहीं पाया था। सो इट्स टाइम टू मेक यू मीट ब्राउनी। दिस इज ब्राउनी। ब्राउन ब्राउन सिट डाउन, सिट ब्राउनी, शेक हैंड, ब्राउनी शेक हैंड, ये गुड बॉय। ब्राउनी बहुत ओबीडियंट डॉग है, ब्राउनी इज अ गार्ड डॉग एंड ये मोटा है, ये बहुत खाता है। इसको मैंने स्ट्रीट से रेस्क्यू करा था बिकॉज काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर गाड़ी चलाना चाह रहे थे, इसको मारना चाह रहे थे, क्योंकि गाड़ी पीछे भागता था और वो रैश ड्राइविंग करते थे। सो अभी ये मेरे घर पे रहता है एंड ही इज़ अ थर्ड डॉग। मुझे सारे डॉग से ब्राउनी को थोड़ा अलग रखना पड़ता है। जो मेरा सबसे मस्ती करने वाला डॉग है मैसी, वो इसको भोंकता है और अगर ब्राउनी से पकड़ लेता है तो ब्राउनी काफ़ी ज़्यादा उसको इंजर्ड कर सकता है। ब्राउनी। सो गाइज, दिस वॉज माई फर्स्ट व्लॉग। इसमें मैंने आपको अपने 3 कुत्तों से मिलवाया जिन्हें मैंने रेस्क्यू करा था और ये मेरे घर में रहते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको डाइट, फुल डे ईटिंग और वर्कआउट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा और आपको मोटिवेट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।